अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी फनकार। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिस्को राउटर्स में जीआरई टनल आप किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो वीडियो के अंदर स्लाइड से डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में दी जाती थी और ट्यूटोरियल में आपको दिखाया जाता था कि आप अपना टास्क अचीव किस तरह कर सकते हैं। इस मरतबा मैंने डिसाइड किया कि मैं इंशाल्लाह अब से जो भी अहम ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसका एक वर्जन उसी तरह जिस तरह मैं अपलोड करता हूँ उस तरह से अपलोड होगा, और दूसरे वर्जन में मैं उसकी उर्दू वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लैब सिनेरियो में मैं इधर आप जैसा कि देख रहे हैं आप पैकेट ट्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं GNS3 को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास तीन राउटर्स हैं, router 1, router 2, router 3। उसके साथ दो PCs कनेक्टेड हैं, PC1 एंड PC2। IP एड्रेसिंग स्कीम आप देख सकते हैं मैंने डिफ़ाइन की है। आप जिस तरह देख सकते हैं router 1 की इंटरफेस 0x0 पर मैंने IP एड्रेस असाइन किया है 1.1.1.1, और इसी तरह router 2 पे 1.1.1.2। router 2 जो router 3 से कनेक्टेड है उसकी इंटरफेस पे असाइन है 2.2.2.1, और router 3 वाली इंटरफेस पे असाइन है 2.2.2.2। ये एक तरह से आपको रेप्लिकेट कर रहा है कि आप एक रिमोट लोकेशन से अपनी लोकेशन पे कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरनेट। ये पब्लिक IPs इधर यूज़ हो रही हैं जो कि एक टिपिकल सिनेरियो होता है, और ये दोनों साइड्स पे दो ऑफिसेज़ के दरमियान दो ब्रांच ऑफिसेज़ भी हो सकते हैं। ये दो ब्रांच ऑफिस, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, ये एक ही कंपनी के दो ब्रांच ऑफिस हैं जो कि एक दूसरे के साथ लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो दोनों कनेक्टेड हैं किसी भी ISP से। फॉर एग्ज़ाम्पल router 1 वाला कस्टमर जो है वो Airtel के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, PTCL के साथ या किसी और ISP के साथ। इसी तरह router 3 वाला कस्टमर अपनी ISP के साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि हम अपना जो कम्युनिकेशन है वो कर सकें अपने ब्रांच ऑफिसेस के दरमियान, और उनके अंदर जो ऑफिसेस के अंदर जो IP स्कीम चल रही है वो जाहिर सी बात है प्राइवेट चल रही होगी। तो GRE टनल को यूज़ करते हुए ये ओवर द पब्लिक इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों हम पूरी वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में हम अपने राउटर्स को और PCs को अप करेंगे, उन पर IP एड्रेसिंग स्कीम को असाइन करेंगे। जो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनको हम पिंग करके जब कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 में दोस्तों हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि PC1 जो है वो PC2 के साथ कम्युनिकेट कर सके, PC1 PC2 को पिंग कर सके, PC2 PC1 को पिंग कर सके। फिर हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम GRE टनल क्रिएट करेंगे router 1 पे और router 3 पे। GRE टनल की जो IPs हम असाइन करेंगे उनको दोनों राउटर्स से पिंग करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम करेंगे ये कि अपनी जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उसको राउट करेंगे GRE टनल पर। और दोस्तों स्टेप 2 जब हम करेंगे, मैं ये बताना आपको भूल गया, जो हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है उसमें हम ट्रेस राउट भी, स्टैटिक राउटिंग पिंग वगैरह करने के बाद ट्रेस राउट भी ले लेंगे कि GRE टनल बनाने से पहले हमारे पास ट्रेस राउट किस तरह का नज़र आएगा। और स्टेप 4 में GRE टनल सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद और राउटिंग के बाद जब हम ट्रेस लेंगे तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं लैब के साथ। तो दोस्तों मेरे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं मैं उनको अप करूंगा, और उसके बाद मैं 1x1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊंगा। डिवाइसेस को पावर अप करने के बाद अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। किसी भी डिवाइस पर डबल क्लिक आप करेंगे तो उसका CLI एक्सेस आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं router 1 का, router 2, router 3 और इस तरह PC1 और PC2 का CLI एक्सेस मेरे पास आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो router 1 से हम स्टार्ट करते हैं। डू शो रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी डिवाइसेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे है, एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई IP एड्रेस, कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी इस पर नहीं है।
राउटर वन से हम शुरू करते हैं। राउटर वन के दो इंटरफेसिस हैं 0x0 एंड 0x1। तो फास्ट इथरनेट 0x0 पे हम 1.1.1 का आईपी एड्रेस देते हैं। इंटरफेस एफ ए 0x0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 2552552552552। आप देख सकते हैं मैंने /30 का सबनेट यूज़ किया है। उसके बाद नो शट। इसके बाद आपकी इंटरफेस 0x0 अप हो जानी चाहिए और ये आप देख सकते हैं आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि 0x0 आपकी अप हो गई है। सिमिलरली 0x1 पे भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे और वो था 192.168.1.1.255.255.255.0/24 का सबनेट और इसको भी नो शट करेंगे। अब हम चलते हैं राउटर टू की तरफ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद इंटरफेस एफ ए 0x0, इसका फास्ट इथरनेट 0x0 कनेक्टेड है राउटर वन के साथ और उस पर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 1.1.1.2 का और /30 का सबनेट मास्क नो शट। इंटरफेस एफ ए 0x1 जो कि राउटर 3 के साथ कनेक्टेड है उस पर हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 2.2.2.1 का, सबनेट मास्क 252 एंड में /30 नो शट। आगे चलते हैं राउटर 3 पर। राउटर 3 में भी हम 0x1 में जाएंगे, आईपी एड्रेस लिखेंगे 2.2.2.2 का, 252 सबनेट मास्क नो शट और नेक्स्ट हमारी इंटरफेस 0x0 जो कि PC2 के साथ कनेक्टेड है उस पे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 2.1 का, सॉरी 2.1 .0 के साथ नो शट। दोस्तों इस स्टेप तक आपके सारी जो इंटरफेसेस हैं वो अब हो जानी चाहिए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होने चाहिए। हम एक मरतबा इसको वेरीफाई कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से। आप देख सकते हैं 0x0 पे 1.1.1.1 असाइन है, 0x1 पे 192.168.1.1। राउटर 2 पे यही कमांड चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 0x0 पे 1.1.1.2 है और 0x1 पे 2.2.2.1 है। राउटर 3 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 0x0 जो के कनेक्टेड है PC2 के साथ 192.168.2.1 और 0x1 जो राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है 2.2.2.2 पर। अब चलते हैं PC पर। PC1 आपने एक्सेस करना है और उस पर आपने आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.10। उसके बाद उसका सबनेट मास्क स्पेसिफाई करेंगे और उसका गेटवे डिफाइन करेंगे जो कि राउटर 1 की इंटरफेस होगी। राउटर 2 पे पीसी 2 पे आईपी एड्रेस देंगे 192.168.2.10 का, सबनेट मास्क /24 डालेंगे और उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर 3 की इंटरफेस है। दोस्तों अब आपने करना क्या है कि आपने राउटर 1 से PC1 को और राउटर 2 को पिंग कर चेक करना है कि आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ ओके है, एस्टेब्लिश्ड है, कोई इशू तो नहीं है। तो राउटर 1 पे हम पिंग करेंगे 192.168.1.10 और आप देख सकते हैं पिंग मेरा सक्सेसफुल है। इससे हमें यह पता चला कि राउटर 1 और PC1 की कनेक्टिविटी ओके है। 1.1.2 को हम पिंग करेंगे और राउटर 2 तक भी कनेक्टिविटी ओके है। अब राउटर 2 से हमें दोबारा राउटर 1 को पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर से डायरेक्ट
पिंग करेंगे राउटर 3 के इंटरफेस के आईपी एड्रेस को, 2.2.2.2 को, पिंग 2.2.2.2 को, और ये भी सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इधर तक भी हमारे कनेक्टिविटी ओके है। राउटर 3 पर जाकर हम पीसी 3 को पिंग करेंगे 2.10, और जनाब ये हमारी कनेक्टिविटी ओके है। अगर आप पीसी 1 से बैठकर पीसी 2 को पिंग करना चाहें, तो क्योंकि अभी हमारे पास राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो पीसी 1 पीसी 2 को या पीसी 2 पीसी 1 को आपस में पिंग नहीं कर पाएंगे। आप चेक कर सकते हैं पीसी 1 पे, अगर मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.2.10, तो ये मुझे मैसेज दे रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि ये होस्ट इस तक नहीं पहुंच पा रहा। इसी तरह पीसी 2 पे अगर आप पिंग करते हैं 192.168.1.10 को, तो पीसी 2 में भी सेम मैसेज डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो इससे हमें ये पता चला कि अभी पीसी 1 और पीसी 2 की आपस में कनेक्टिविटी ओके नहीं है। उसके लिए हम जाएंगे स्टेप 2 पर। दोस्तों स्टेप 2 हमारा मैंने आपको पहले बताया था, स्टेप 2 में हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसमें कुछ हम इस तरह का काम करेंगे कि राउटर 1 और राउटर 3 पर हम एक डिफ़ॉल्ट राउट डालेंगे राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 पर हम स्पेसिफिक नेटवर्क्स मेंशन करेंगे कि अगर तुमने 192.168.1.0 के नेटवर्क पर जाना है तो राउटर 1 के थ्रू जाएंगे, और अगर आपने राउटर 3 का जो लैन का नेटवर्क है 0.0/0 पे जो नेटवर्क है 192.168.2.0 उस पे अगर जाना है तो आप राउटर 3 के ज़रिए से जाएंगे। तो राउटर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ टी आईपी राउट 0.0.0.0 और सबनेट मास्क 0.0.0.0, और उसके बाद आपने नेक्स्ट हॉप का एड्रेस मेंशन करना है। इसमें हम लिखेंगे 1.1.1.2, राउटर 3 पे चले जाइए, आईपी राउट उसी तरह डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे 0.0.0.0, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप आप लिखेंगे 2.2.2.1, जो कि राउटर 3 का इंटरफेस, राउटर 2 की तरफ जो इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस है। इन दोनों पे तो हमने कर दिए डिफ़ॉल्ट राउट कि जो भी ट्रैफिक आपके पास आए लैन के नेटवर्क से, लैन इंटरफेस से, उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए 1.1.1.2, और राउटर 3 को हमने कहा कि उस ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट करना है 2.2.2.1 की तरफ। अब राउटर 2 पे हम राउट करेंगे स्पेसिफिक नेटवर्क्स, आईपी राउट 192.168.1.0.255.255.255.0। अगर इस नेटवर्क पे आपने जाना है डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो ये किधर से रीचेबल है 1.1.1.1 से, यानी राउटर 1 से। और इसी तरह अगर आपने 2.0 के नेटवर्क पे जाना है तो वो रीचेबल होगा राउटर 3 से 2.2.2.2। तो दोस्तों राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर की, एक मरतबा उसको वेरीफाई कर लें शो आईपी राउट की कमांड चलाकर। आप देख सकते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट राउट है 1.1.1.2 की तरफ। इस तरह राउटर 3 पे भी सेम करें शो आईपी राउट, इसमें भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए। और राउटर 3 की जब आप ये राउटर 2 पे जब आप ये कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट, तो दो स्टैटिक राउट्स जो कि हमने 1.0 और 2.0 नेटवर्क का कॉन्फ़िगर किया वो आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर इधर तक आपने सही कॉन्फ़िगरेशन की है जिस तरह मैंने आपको सिखाया, तो इस स्टेप पर के बाद अगर आप पीसी 1 पर जाकर पीसी 2 के आईपी एड्रेस को पिंग करते हैं, तो पिंग आपके पास सक्सेसफुल होना चाहिए। तो दोस्तों हम कमांड पीसी 1 से रन करते हैं पिंग 192.168.2.10, और हम देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो यूजुअली एक दो टाइम आउट के बाद आपके पास पिंग का रिस्पांस आ गया।
तो दोस्तों हमें पता चला कि PC1 से PC2 तक की कनेक्टिविटी ओके है। अब स्टेप 3 को करने से पहले आप एक मरतबा इसका ट्रेस ले लेंगे, ट्रेस 192.168.2.10। और ऑब्वियस है इसकी हॉप्स आप देख रहे हैं, 192.168.1.1 सबसे पहले अपने गेटवे पर गया, फिर राउटर 2 पर गया, राउटर 3 2 ने उसकी ट्रैफिक सेंड की राउटर 3 को, और राउटर 3 से फाइनली ये पहुंच गया PC2 पर। और अगर आप PC2 से रिवर्स ट्रेस लेंगे PC1 का, तो उसमें PC2 की ट्रैफिक सबसे पहले अपने गेटवे के पास जाएगी, उसके बाद PC राउटर 2 के पास जाएगी, फिर राउटर 1 और फिर PC1। तो दोस्तों अब जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप 3 है, जिसमें हम GRE टनल राउटर 1 और राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 1 पर जाएंगे, कॉन्फ़ टी लिखेंगे, टनल क्रिएट करने के लिए आप कमांड डालेंगे इंटरफेस टनल और उसका कोई नंबर दे देंगे। क्वेश्चन मार्क अगर आप करके देखें तो इतनी आप रेंज के अंदर नंबर डिफाइन कर सकते हैं। मैं इंटरफेस टनल 0 करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर जो आपने टनल क्रिएट करते वक्त देना है वो है टनल का IP एड्रेस। ये एक वर्चुअल IP एड्रेस होगा जो कि हम टनल को असाइन कर रहे हैं। इंटरफेस टनल 0 राउटर 1 पे जो मैं IP एड्रेस दूंगा वो है 172.16.1.1/24। तो 172.16.1.1.255.255.255.0। सिमिलरली राउटर 3 पर जाऊंगा, इंटरफेस टनल 0, उसका IP एड्रेस 172.16.1.2.255.255.255.0। तो दोस्तों दोनों राउटर्स पर मैंने वर्चुअल IP एड्रेसेस डिफाइन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आपने ये करना होता है कि जब आप टनल का IP एड्रेस डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपने टनल की सोर्स और टनल की डेस्टिनेशन डिफाइन करनी है। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन आपका जो राउटर के इंटरफेस होगा जिस पे IP बाइंड होगी, आपने वो वाला मेंशन करना है जो हमारे केस में पब्लिक IP 1.1.1.1 और इस केस में 2.2.2.2 राउटर 3 के केस में। तो दोस्तों राउटर 1 पे आप टनल सोर्स की कमांड में लिखेंगे 1.1.1.1, और इसने जाना किधर है वो डेस्टिनेशन कौन सी होगी, राउटर 3 का पब्लिक IP 2.2.2.2। इस तरह राउटर 3 पर जाएंगे, टनल की सोर्स इसका अपना IP एड्रेस, राउटर 3 की इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस है 2.2.2.2, और टनल डेस्टिनेशन में हम क्या लिखेंगे 1.1.1.1 जो कि राउटर 1 का IP एड्रेस है। तो दोस्तों इस स्टेप तक आपको इजीली समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। आपने IP एड्रेस डिफाइन करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करनी है। अब एक मरतबा हम पिंग करके चेक कर लेते हैं राउटर 3 से राउटर 1 के टनल IP को और राउटर 1 से राउटर 3 के टनल IP को। 172.16.1.1 मेरे पास पिंगेबल है। तो दोस्तों फाइनल स्टेप हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें हमने 192.168.1.0 जो कि PC1 का नेटवर्क है और 192.168.2.0 जो कि PC2 का नेटवर्क है, उसकी ट्रैफिक राउट करानी है टनल के थ्रू। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल है, राउटर 1 पे जाएंगे, कॉन्फ टी लिखेंगे, IP राउट 192.168.2.10 सॉरी 2.0 2.55.255.255.0, ये जाना है टनल, ये रीचेबल है टनल 2 टनल 0 के ज़रिए। इसी तरह राउटर 3 पे जाएंगे, IP राउट की कमांड चलाएंगे, 192.168.1.0 का नेटवर्क रीचेबल है टनल 0 के थ्रू। शो IP राउट की कमांड अगर आप चला के देखेंगे तो अब आप देखेंगे कि
मेरे पास एक और स्टैटिक राउट आया 192.168.1.0 टनल ज़ीरो के ज़रिए, और इसी तरह राउटर वन पर अगर आप शो आईपी राउट की कमांड चलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.2.0 किससे रीचेबल है, टनल ज़ीरो से, जो कि हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है। तो दोस्तों पीसी वन पे जाएंगे और दोबारा पिंग करके चेक करेंगे कि क्या मेरी कनेक्टिविटी ओके है, एस्टेब्लिश है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोई एरर तो नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि मेरी कनेक्टिविटी ओके है। तो लास्ट और फाइनल स्टेप ये था कि हम ट्रेस करके देखेंगे कि अब हमें हॉप्स क्या दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब हमारी ट्रैफिक टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के बाद और टनल के ज़रिए राउट कराने के बाद जो नेक्स्ट हॉप हमें दिखा रहा है, जो इंटरमीडिएट हॉप बीच में आ रहा है, वो है टनल का आईपी एड्रेस। यानी अब पीसी वन की ट्रैफिक डायरेक्ट टनल के थ्रू जा रही है, और अगर आप राउट पीसी टू में देखेंगे तो इधर भी टनल के थ्रू ट्रैफिक जा रही है। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स के लिए और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ब्लॉग भी विज़िट कीजिए, www.itfunkar.com।